पीपल के पत्ते पर कपूर को जलाने से कौन सा फल मिलता है? जी हाँ मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने मात्र से ही आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। घर में कोई बीमार रहता हो, घर में पैसों की बरकत नहीं हो रही हो, आय के सभी साधन रुक गए हो, तो इस उपाय को जरूर कर लें। इससे आपको सफलता मिलेगी और घर में आय के साधन भी बढ़ेंगे। करना क्या है आइए हम आपको बताते हैं। शाम के समय किसी भी दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर 5 कपूर की टिकिया रख लें, फिर कपूर को अग्नि से प्रज्वलित करें। इसके बाद आप अपने मकान या दुकान में पूरी तरह से घुमा दें और फिर अपने दरवाजे के मुख्य देहरी पर इस पीपल के पत्ते को और कपूर की टिकिया को रख दें। यह एक अनोखा चमत्कार उपाय है। आपके घर और व्यापार में तरक्की ना होने लगे तब कहना, यह उपाय बहुत ही अचूक है। चावल के 3 चमत्कारिक उपाय कर लेना, बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। आइए जानते हैं आपको क्या करना है। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं नंबर 1। काफी समय से यदि आपका कोई काम अटक रहा है तो किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे 9 साबुत चावल के दाने रख दें। इससे आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे। नंबर 2, यदि आपके घर में बरकत नहीं है और धन भी नहीं टिकता है तो चावल के 7 साबुत दाने लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखने से धन बचने लगेगा। नंबर 3, अगर दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है तो तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें थोड़ी हल्दी और चावल के कुछ दाने डालकर सूर्यदेव को चढ़ा दें। यह उपाय 45 दिन करने से भाग्य चमक जाएगा।